वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो शुरू हो रहा है अब रस्ते में, यानी कि और आज आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, आई एम गोइंग टू मेक यू गाइज टूअर माई यूनिवर्सिटी। कि किस तरह की वो दिखती है, लेट मी शो यू टुडे। सो अभी मेरी बस मुझे वेट कर रही है एंड ये आपको पीछे मेरी बस दिख रही होगी, तो लेट्स गो। अभी हम लोग जो है वो बस से उतरे हैं, वी आर वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट बस जो कि मेरे ख्याल से 5 मिनट के बाद आने वाली है। दिस इज़ द बस स्टॉप बिहाइंड अस और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। तो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट अमेजिंग यूनिवर्सिटी टूर, आर यू रेडी गाइस? तो बिकॉज आई एम टू एक्साइटेड। अच्छा, आज का ब्लॉग शुरू हुआ है रस्ते में क्योंकि मैं जो है ना भूल गई थी शॉर्ट लेट और मैं बहुत जल्दी उठ गया था और हम लोग को नाश्ता करना था। और आज का दिन बहुत अच्छा है, अल्लाह तेरा शुक्र है, वेदर इज़ सो फाइन एंड वी आर डूइंग सो गुड। तो लेट्स सी यूनिवर्सिटी टूर कैसा रहता है। तो भाई बस से मैं उतर चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ। इस दीवार के साथ 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 अगर मैं चलती जाऊँगी तो मेरी जो है वो यूनिवर्सिटी आ जाएगी। और आज का सारा ब्लॉग जो है ना वो मोस्टली बैक कैमरा से शूट हुआ होगा क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी टूर है, उससे ज़्यादा आपका फोकस और आपका इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी में होगा। आ जाए नो, तो चलें। तो अब आ जाता है यूनिवर्सिटी का मेन गेट जो कि यहाँ से है, बट वी आर नॉट सपोज टू गो फ्रॉम हेयर। यहाँ से आगे एक और गेट आता है, इसी तरह अगर हम चलते रहेंगे और फिर वो वाला जो गेट है हमें वहाँ से अंदर जाना है। ये सारी अंदर यूनिवर्सिटी चल रही है, सारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं, लेकिन क्योंकि मेरी क्लास वाली बिल्डिंग काफ़ी दूर है तो मुझे जो है वो दूसरा गेट यूज़ करना पड़ता है। वरना यहाँ से भी जा सकती हूँ यहाँ से, लेकिन वो फिर काफ़ी दूर पड़ जाएगा मुझे। तो लेट्स गो। अब जो ये वाली मेन एंट्रेंस है, वी आर गोइंग फ्रॉम हेयर, क्योंकि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें, यानी कि मुझे यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा सही पड़ेगी, मतलब करीब पड़ेगी वो बिल्डिंग जहाँ पे मेरी क्लास है। यहाँ पे, यहाँ देखें अगर ये सामने ये लाइब्रेरी है, ठीक है, लेकिन मुझे जाना उस तरफ है क्वींस मैरी बिल्डिंग के अंदर। सो लेट्स गो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये पूरा गार्डन एरिया है, वहाँ पे आपको छोटे छोटे बैठने की जगह दिख रही होगी क्योंकि वाइड एंगल व्यू है तो इसलिए सारी चीज़ें काफ़ी दूर वाली जो है वो शॉर्ट दिख रही है। यहाँ पे एक लेक है करीब में, यहाँ से जाते हैं मेरी क्वींस मैरी बिल्डिंग की तरफ, मेरी नहीं जहाँ मेरी क्लास है। तो यहाँ से पहले मैं आपको लेक व्यू दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के पास वो सामने लेक है, ठीक है, यहाँ से भी जाने के रास्ते बने हुए छोटे छोटे। वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे वो मेरी क्लासरूम वाली बिल्डिंग है एंड ये सारी लाइब्रेरी वाला एरिया है एंड कैंटीन भी है। कहाँ पर है कैंटीन? वो वाली, वो। और ये वाली चीज़ जो है वो भी आई गेस कुछ ना कुछ है, मैं यहाँ पर अभी तक गई नहीं हूँ, बट फिलहाल क्लास की तरफ चलते हैं। ये देखें, दिस इज़ द लेक जिसमें मेरे ख्याल से ऑटम स्टार्ट हुआ है क्या, यहाँ पे काफ़ी पत्ते वत्ते गिर गए हैं। तो अभी तक आपने देख लिया ये लेक व्यू जहाँ पे मैं खड़ी हूँ फ़िलहाल, और लाइब्रेरी एरिया देख लिया। जो जो एरियाज जहाँ जहाँ मैं जा चुकी थी वो मैंने आपको दूर दूर से दिखा दी है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको क्लास के बाद लाइब्रेरी ज़रूर दिखाऊँ अंदर से, और जो बिल्डिंग है जहाँ पे मेरी क्लास होने वाली है वो भी मैं आपको करीब से दिखाऊँ। तो चलें क्लास की तरफ, क्योंकि मेरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रह गए और वैसे आज का कोर्स काफ़ी बोरिंग है, तो बता दूँ। चलें चलें। ये मैं थोड़ा सा स्लोप वाली जगह पे खड़ी हूँ और ये वही लेक एरिया है जहाँ से मैं भी चल के आई हूँ। लेट मी शो यू द बिल्डिंग, हियर इट इज। ये बिल्डिंग है जहाँ पे मुझे जाना है, उस एरिया में कहीं मेरी क्लास है, बट आई एम थिंकिंग फर्स्ट मैं आपको कॉलेज एरिया दिखा दूँ और जो थोड़ा सा कैंटीन एरिया है वो। सो आई थिंक लेट्स गो, यहीं से चलें।
अच्छा, ये जो एरिया है ये है आपका साउथ लैंड्स कॉलेज एरिया। यहाँ पे भी एक गार्डन है, सिटिंग एरिया है, और यहाँ से भी एक एंट्रेंस आती है जहाँ पे मेरी क्लास है उधर की। और ये सारा कॉलेज एरिया है जहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं लाइक दिस। और यहाँ पे ये जो है वो कैफेटेरिया है, एक पीछे था एक यहाँ पे भी है। क्योंकि मेरी जो है वो क्लास का वक्त हो गया है तो वो मेरी क्लास ऊपर है अपस्टेयर्स, तो इसलिए मैंने सोचा कि विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधा क्लास में चले। यहाँ से कुछ ऐसे व्यूज हैं। यहाँ पे है मेरी क्लास, ये वो कॉरिडोर है जहाँ से मेरी क्लास आएगी। देखिए आगे रश है, यहाँ पे लाइन से क्लासेज हैं। एंड क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो गया है, सो लेट्स गो। नाउ लेट मी शो यू, मेरी क्लास ओवर हो गई है और मैं अभी आ रही हूँ यहाँ से निकल के। ये थी कैंटीन, और उधर जहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े हैं दैट वॉज द बिल्डिंग जहाँ पे मेरी क्लास थी। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द लाइब्रेरी टू शो यू गाइज हाउ लाइब्रेरी एक्चुअली लुक्स लाइक। और यहाँ से सीधा काफ़ी दूर चलना है, ये देखें यहाँ तक चलना है, उसके बाद आएगी। ये देखें ये आ गया है वही कॉरिडोर जो कि मैं अभी तक बात कर रही थी। पहले मैं वहाँ खड़े होकर आपको लेक व्यू दिखा रही थी ना। अच्छा, ये थोड़ी सी चढ़ाई टाइप की जगह है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सिटिंग एरियाज के लिए ये देखिए बेंचेस बनी हुई हैं। और ये पूरा आपको ऐसे चढ़ना है, ऊपर की तरफ चढ़ना है। अच्छा, ये रहा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सबूर कहाँ चला गया, तो सबूर इज़ ऑन द वे, ही वॉज इन पोस्ट ऑफिस कुछ काम से। और ये वाली बिल्डिंग किस चीज़ की है इसका मुझे आइडिया नहीं है। नाउ वी आर हेयर इन लाइब्रेरी एंड दिस हाउ लाइब्रेरी लुक्स लाइक। ये मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़े होकर व्यू यहाँ का कैप्चर कर रही हूँ। एंड यहाँ पे सारी बुक्स हैं, सिटिंग एरियाज हैं, काइंड ऑफ दिस। यहाँ से अपस्टेयर्स एंड उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर्स आ जाते हैं एंड बुक्स भी आ जाती हैं। लेट्स सी, ये सारी बुक्स हैं, शेल्फ्स हैं। अच्छा, ये सामने वाला रूम जो है वो £1 पर मीटिंग रूम है। एंड ये है एक जगह जहाँ पे पीसी लगे हुए हैं एंड दूसरी जगह ये है, ये देखें। उसके अलावा फिर एक और अपस्टेयर्स है। लेट्स गो एंड चेक व्हाट्स अप, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गई अभी तक। अब यहाँ से व्यू चेक करें, बॉक्स 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 बॉक्स। ये नीचे है ग्राउंड फ्लोर, इसके बाद फर्स्ट फ्लोर एंड देन द सेकंड फ्लोर एंड देन द थर्ड वन। थर्ड पे भी आई गेस सिमिलर ही है बुक्स एंड यस बुक्स ही हैं। ऊपर जाने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स गो डाउन स्टेयर्स अगेन एंड लेट मी शो यू द गेट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड दिस इज सपोज टू बी द व्यू फ्रॉम दिस विंडो जो कि बिल्कुल सिटिंग एरिया के पास है। लाइक यू कैन एन्जॉय द व्यू एंड रीड द बुक टुगेदर ऑल इन वन प्लेस। द व्यू इज 10 out of 8, नॉट 10। लुक एट दिस सिटिंग एरिया जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज, एज आई हैवन्ट सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटिफुल एंड कम्फी प्लेस टू सिट इन द लाइब्रेरी। दिस इज द फर्स्ट वन आई स्वेयर। And here it is. Now I think कि मुझे लाइब्रेरी से जाना चाहिए एंड मे बी सबूर इज समवेयर फाइंडिंग मी इन द गार्डन एरिया, क्योंकि उसने कहा था कि आई विल बी हेयर इन फ्यू मिनट्स और मैं आ गई थी लाइब्रेरी, सो ही मस्ट बी हेयर रोमिंग अराउंड। और ये हो गया लाइब्रेरी टूर। अब रह गया है ओनली कैफेटेरिया और उसके बाद मुझे घर के लिए निकलना है बिकॉज मुझे पहुंचने में भी 2 घंटे लगेंगे घर। सो दिस वॉज अ स्मॉल यूनिवर्सिटी टूर मेरी तरफ से। होप यू गाइज एंजॉयड
नाउ कैफेटेरिया की बारी, लेट्स गो। दिस इज द गेट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है लाइब्रेरी में, एंड ये सिर्फ गेट आपको मिलेगा जिसके अंदर मुझे एंटर होना पड़ेगा कुछ इस तरह। यहाँ से इसको घुमाना पड़ेगा इस तरह और यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा इस तरह। अब विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स गो टूवर्ड्स द कैफेटेरिया। ये देखें, जब हम अंदर बैठ जाते हैं बेंचेस एरिया पे, तो इस तरह से बाहर का व्यू दिखता है यहाँ से, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड प्लस जैसे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरह से मौसम होता हुआ दिखेगा, दैट मीन्स कि सर्दी बढ़ रही है। नाउ आई कैन फील इट, हवा तो नहीं चल रही मगर इस चिल काफ़ी सर्दी है। अब वो देखें सामने, दिखाती हूँ मैं, ये पेड़ आ गया वहाँ पे, स्टेयर्स हैं जहाँ पे मैं जा रही हूँ, वहाँ से आएगा कैफेटेरिया। यहाँ देखें कितनी प्यारी बेंचेस बनी हुई है, लुक एट देम हाउ प्रिटी दे आर। और ये जो आपको कहीं कहीं घर और इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, दीज आर ऑन कैंपस एकोमोडेशंस, लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव्स हेयर एंड सम आर आउटसाइड द कैंपस, जो कि हमें बाहर जाके दिखेंगी। यहाँ से तो बिल्कुल ऐसा व्यू आ रहा है जैसे आप किसी जंगल में आ गए हैं। और ये आता है कैफेटेरिया, इसकी स्टेयर्स और कैफेटेरिया का डोर देखें, लाइक नो वन कैन इमेजिन कैफेटेरिया किस जगह पे है। ये इसका एक्चुअली एग्जिट पॉइंट है और मे बी एंट्रेंस है, सॉर्ट ऑफ, कि किसी को ढूंढना पड़े। अब मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ से कैफेटेरिया शुरू हो रहा है एंड दिस वॉज द पॉइंट आई एंटर्ड। यहाँ पे इस तरह से सिटिंग एरिया बना हुआ है और वहाँ पे गेट है जिसके उस तरफ भी सिटिंग एरिया है, प्लस द शॉप्स आर हेयर एट दिस साइड। ये रही यहाँ पे, और यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम हेयर। ये यहाँ की कैंटीन है बेसिकली, यहाँ पे ये वेंडिंग मशीन है। आई डोंट थिंक सो दिस इज वेंडिंग मशीन और एनीथिंग। ये वो जगह है जहाँ के बारे में मैं बात कर रही थी, लाइक देयर इज़ वन मोर सिटिंग एरिया, लुक एट द व्यू, दीज आर द सोफा सीट्स एंड टेबल्स श्योर, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। काफ़ी बड़ा कैफेटेरिया है, ये वही कॉलेज वाला व्यू है जो कि मैंने सुबह आप लोगों को दिखाया था बिफोर क्लास। और ये कैफेटेरिया से दिखता है, मतलब हर जगह से व्यू आपको 10/10 मिलेगा। ये जो था वो था पूरा यूनिवर्सिटी टूर, और मैं जहाँ पे लास्ट मैंने एंड किया है वहीं पे आके बैठ गई हूँ। और लुक एट द व्यू यार, बस इंसान को पढ़ना हो और ऐसी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट ना करें, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। मगर दीज आर द थिंग्स जो कि मैं अपनी बैचलर लाइफ में बहुत मिस करती थी, बिकॉज आवर कैंपस वॉज नॉट टू बिग एंड उसमें भी एरियाज थे, गार्डन एरियाज, मगर यहाँ पे वेदर के साथ इस टाइप का जो व्यू होता है दैट इज़ एक्चुअली टू प्लीजिंग, लाइक बहुत, इट गिव्स यू वेरी वार्म फीलिंग्स और मतलब बहुत अच्छा फील होता है। तो ये था मेरा ऑन कैंपस रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का टूर, होप यू गाइज इन्जॉय इट। और जिन्होंने इन्जॉय नहीं किया वो दूसरों के ब्लॉग्स देख लें, शायद मेरे ब्लॉग्स में आप लोग काफ़ी चीज़ मिस कर रहे हो, मगर जो एरियाज जहाँ से मैं अवेयर थी वो मैंने आप सबको बहुत अच्छे से दिखा दिया। खैर काफ़ी एरियाज मैंने सिर्फ इस व्लॉग की वजह से आज देखे, कुछ मैं पहले देख चुकी थी, प्लस आई एम वेटिंग फॉर सबूर, ही इज़ नॉट हेयर, पता नहीं कहाँ रह गया लेट लतीफ, और इसीलिए वो, उसको कुछ काम भी था पोस्ट ऑफिस से, सो दैट्स व्हाई ही वाज नॉट हेयर विद मी इन दिस व्लॉग। वेल, काफ़ी रफ शॉर्ट्स हैं रिगार्डिंग मी एज अ व्लॉगर। तो देर वॉज अ पॉइंट व्हेन आई, जब मैं पहली दफ़ा आई थी, I was sitting in the cafeteria, जब मैंने आकर शॉर्ट नहीं लिया था, मैंने आपको पीछे मैंशन भी किया, एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग ऑफ डिलीटिंग ऑल द शॉर्ट्स जो कि मैंने अभी तक लिया है, बिकॉज आई वॉजन श्योर अबाउट इट कि हाउ दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी, बट नाउ आई फील इट्स ओके। देर आर लॉट ऑफ पीपल, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स हु आर एक्साइटेड कि किस तरह की मेरी यूनिवर्सिटी है, दे वॉन्टेड टू सी, सो दिस इज़ फॉर देम। और बाकी गलतियाँ वलतियाँ छोड़ो उनको यार, वो तो होती रहती है, ज़िंदगी का हिस्सा है। बाकी अच्छी क्लास इंतहा की बोरिंग थी, और आज का एक ये पहला व्लॉग था जिसमें मैंने अपनी तरफ कैमरा
रख के बहुत कम चीज़ें बनाई हैं और बैक कैमरा का बहुत भरपूर यूज़ किया है, मतलब पैसा वसूल हो गया आज। तो भाई अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।